दूंगा आपको वीडियो में। पहले मैं मशीन का एक ओवरव्यू देता हूँ। ये आप जानते हैं मॉनिटर स्क्रीन है, ये टोटली टच पैनल है, ये कंट्रोल पैनल, ट्रैक बॉल, डिफरेंट कीज, TGCPC प्रोब्स, देन ये सेक्टर प्रोब है आपका, कॉन्वेक्स प्रोब, लीनियर प्रोब, एंड देन पीछे TGC प्रोब्स। यहाँ पे हम देखते हैं CD ड्राइवर, एंड देन ये पोर्ट्स है जहाँ से हम लोग इसमें ट्रांजिस्टर कनेक्ट करते हैं। ये इसका बैक व्यू, एक्चुअली मशीन ये इसका PC कहलाता है। इस PC में डिफरेंट बोर्ड्स हैं, ACV बोर्ड, पावर रेगुलेटर, AIO, हार्ड ड्राइव, डिफरेंट बोर्ड्स हैं। नीचे जहाँ लाइट जा रहा है उसको VPPM बोर्ड कहते हैं हम। ये तो मशीन का ओवरव्यू। अब बात करते हैं इस मशीन में प्रॉब्लम क्या था और हम लोग क्या कर रहे हैं। मशीन चलते चलते थोड़ा हैंग करता था, तो फाइनली हमने पहले भी इसमें सॉफ्टवेयर अपलोड किया था, एंड फाइनली अभी हम लोग इसका हार्ड डिस्क चेंज कर रहे हैं, एंड फिर वापस से ये हार्ड डिस्क, ये मशीन का पुराना हार्ड डिस्क है, नया हार्ड डिस्क हमने यहाँ पे साटा हार्ड ड्राइव लगा दिया है। हार्ड ड्राइव डालने के बाद फिर हमें दोबारा से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होता है, तो फिर हम लोग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन होता है, हम लोग CD ड्राइवर से कर सकते हैं और USB पोर्ट से। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा USB पोर्ट पेन ड्राइव लगा हुआ है, ड्राइव से हम लोग इसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं, और इट विल टेक अराउंड 1.5 घंटा अप्रॉक्स लगेगा इसमें काम होते होते, और अभी टाइम हो रहा है 8:45, देखते हैं। और जब कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं आपको वीडियो में दिखाऊँगा, और फिर उसके बाद इस अल्ट्रासाउंड के बारे में कुछ बेसिक्स और मैं इंफॉर्मेशन भी बताऊंगा इसमें। तो कल के बाद फिर हमने सॉफ्टवेयर सारा इंस्टॉल कर दिया, देख सकते हैं पहले जैसा हो चुका है मशीन। फिर उसके बाद सॉफ्टवेयर के बाद हमने प्रीसेट भी डाल दिया है लॉगिन करके, अब मशीन रेडी है। अब इसमें कोई वैसा इश्यूज़ आ नहीं रहा वैसे तो, और आप एक बार फिर से मशीन का प्रोफाइल देख सकते हैं, काफ़ी हैवी, काफ़ी बोल्ड लुक के साथ आता है मशीन। FNED 30 साइड लुक में दिखाता हूँ, तो इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म समाप्त करते हैं।